झारखंड के देवघर में रोपवे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार शाम करीब 5 बजे रोपवे में ट्रॉली पत्थर से टकराई थी, जिसके बाद लोग हवा में ही लटके रह गए। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। 38 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जबकि 10 लोग अब भी 3 ट्रॉलियों में वहां पर फंसे हुए हैं। रोपवे चलाने वाली दामोदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जनरल मैनेजर महेश महतो के अनुसार रोपवे दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 1 की मौत हो गई थी और वहीं 48 लोग रोपवे में फंसे थे। 38 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अभी भी 10 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें हैं वहां से लगातार जो सामने आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, रफ्तार दी जा रही है। क्योंकि देखिए, कल रात के समय में इस अभियान को रोक दिया गया था जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी, उन लोगों तक पहुँचाई गई थी किसी तरह से। लेकिन अब आज सुबह एक बार फिर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया गया। 10 लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इन बाकी तमाम लोगों को भी सुरक्षित वहां से निकाल लिया जा सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।